आपके पास कोई लेडीज आ जाए तो उनको इन चीज़ों के बारे में बताया करें कि गरारा क्या होता है, शरारा क्या होता है, तो खुला शरारा क्या होता है और निकर के साथ शरारा क्या होता है। वेलकम बैक टू अवर चैनल टीचर बाजी प्रो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टीचर बाजी प्रो। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आप बात रखें और हमारे साथ रखें। अच्छा, मैं हमारे पास कस्टमर अक्सर कस्टमर आते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता कि शरारा कौन सा होता है तो गरारा कौन सा होता है, तो फिर उनको काफ़ी जो है ना, अगर आपके पास भी ऐसे कोई कन्फ्यूजिंग हो या लोग आपके पास आते हो, जो भी कारीगर हैं लोग हैं उनके पास कन्फ्यूजिंग है, तो लोग आके जो कहते हैं तो उनको आप डिटेल से बताया करें कि शरारा क्या होता है, गरारा क्या होता है, खुले पंजे वाला शरारा क्या होता है, निकर के साथ शरारा क्या होता है और गरारा किसे कहते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये हमने शरारा तैयार किया है शिफॉन जॉर्जेट का। आपको पता है कि बर्फ ज़्यादा होता है, बर्फ ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमने ये बनाया है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने बनाया है पूरा खुला शरारा, यानी कि खुला शरारा बनाया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा खुला शरारा बन गया है। ये फिसलता है ना कपड़ा, हैवी कपड़ा है इसलिए, तो ये देखें कि ये हमने शरारा बनाया है, ये शरारा बना हुआ है इतना, यानी कि इतना खुला पैंचा हो तो ये शरारा बन जाता है, ठीक है। शगुन जॉर्जेट का हमारे पास भर जाता होता है जिसकी वजह से हम ये बना लेते हैं। और ये जो है, अब जैसे गरारा है, गरारा ये भी शरारा है, ये देखिए ये भी हमने शरारा बनाया है, शरारा आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी देखिए शरारा है, लेकिन यहाँ पर इसके चिन्नट नहीं है। तो जो गरारा होता है ये भी शरारा होता है और ये भी शरारा है, लेकिन गरारा वो होता है जिसके जैसे अब हमने इतना चौड़ाई में पैंचा कटिंग करेंगे, मिसाल के तौर पे आपके पास ये अगर निकर आ गया 16 इंच पे, अगर आप निकर बनाती हैं तो उसके बाद आपने इतना ही चौड़ा कपड़ा जो है, जैसे ये इसमें कटा हुआ है, ये चिन्हट होके आ जाएगा यहाँ पर घुटने पे। ये देखा है कि ये घुटने पे आपने जितना घुटना रखना हो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, लेडीज़ के हेल्थ के बिना पर जो है घुटना रखा जाता है, तो ये कपड़ा जो है ये नीचे वाला इसके साथ चिन्हट होकर निकर के साथ जब आ जाता है, निकर में चिन्हट नहीं आनी, सिर्फ कपड़े में चिन्हट आनी है नीचे वाले पैंचे में, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ एक आपको बता रही हूँ कि हमने यहाँ पर ये जो कपड़ा होगा ये हम इसके साथ निकर के साथ इसको हम इस तरह करके लगाएंगे तो ये हमारा गरारा बन जाएगा, जो फातिमा जना पहना करती थी। गरारा उसे कहते हैं जिसके घुटने पर चिन्हट आती है, शरारा उसे कहते हैं जिसके घुटने पर चिन्हट नहीं आती। तो ये डिफरेंस है इनमें। अगर आपके पास कोई लेडीज़ आ जाएँ तो उनको इन चीज़ों के बारे में बताया करें कि गरारा क्या होता है, शरारा क्या होता है, तो खुला शरारा क्या होता है और निकर के साथ शरारा क्या होता है। तो ये भी देखिए, ये है हमारे पास दूसरा शरारा, ये देखिए हमने इसके पैंचे जो से वो अम्ब्रेला शेप पे कटिंग करके हमने इसके साथ अटैच किए, 16-17 इंच पे हमने इसका निकर तैयार किया। लेडीज़ का अगर कप ज़्यादा बड़ा हो तो 18 इंच भी आप कर सकती हैं, ठीक है। ये देखिए कि ये निकर है हमारे साथ, निकर के पैंचे में चिन्हट नहीं आनी चाहिए बल्कि इस कपड़े में चिन्हट आनी चाहिए जो अलग से कपड़ा लगा हुआ है। ये हम जब चौड़ाई में कटिंग करेंगे, ज़्यादा चौड़ाई में कटिंग करेंगे, इतना चौड़ाई में, तो तब ये चिन्हट होके इसके साथ आएगा तो वो गरारा कहलाएगा। ये शरारा है, ये ओपन शरारा है, ये निकर के साथ शरारा है, ठीक है जी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या इन चीज़ों में डिफरेंस होती है, तो लोगों को बताया करें, लोगों के नॉलेज में भी इजाफा किया करें। गरीब आते हर इंसान इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता, तो इनको जो है गाइड किया करें, जैसे मैं आप लोगों को गाइड करते हुए वैसे आने वाले कस्टमर को आप लोग भी गाइड किया करें, जितने भी कारीगर लोग हैं, तो जितने भी मेरे सीखने वाले लोग हैं मेरे चैनल पे आके काम सीखा करें, अपने नॉलेज में इजाफा करें, अपने रोज़गार का जरिया बनाएं, क्योंकि आजकल रोज़गार की बड़ी परेशानी है। चैनल पर आया करें और काम सीखा करें, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है हमारी लेडीज़ के लिए, हमारे यंग बच्चियों के लिए, यंग लड़कों के लिए, तो ये आप खूब अच्छी तरह सीखें, इससे इंसान बहुत ज़्यादा जो है कामयाबी हासिल कर सकता है, ठीक है जी। तो देखा करें चैनल, बहुत सारी दुआओं के साथ, ढेर सारे प्यार के साथ, अल्लाह हाफिज़।